आदि पुरुष का आज फाइनल ट्रेलर आ गया है, इसके बाद डायरेक्ट मूवी आएगी। ट्रेलर का तो रिव्यू करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप आदि पुरुष से जुड़ी एक और रहस्यमयी और बड़ी बात जानो। क्या आपको पता है आदि पुरुष जिस जिस सिनेमा घर में दिखाई जाएगी, उन सभी सिनेमा घरों में आदि पुरुष के जब शोज होंगे तो एक सीट खाली रखी जाएगी, और वो खाली रहेगी दोस्तों हनुमान जी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ऑफिशियली मेकर्स ने ये अनाउंसमेंट करी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां श्री राम जी की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। इसी को देखते हुए मेकर्स ने आदि पुरुष के शोज के टाइम पे एक सीट खाली रखने का फैसला लिया है। ऐसा आज तक किसी भी मूवी को लेकर हुआ नहीं है, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये मेकर्स की एक चाल है प्रमोशन की, क्योंकि ऐसा करने से कम पैसों में प्रमोशन हो रहा है मूवी का। और कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि मेकर्स ने ये अच्छा किया कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रख दी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं ट्रेलर की रिव्यू की। दोस्तों सबसे खराब बात मेरे को ये लगी कि इन्होंने इस बार भी रावण को नहीं दिखाया। दोस्तों मैं तो मेकर से सवाल पूछता हूँ कि आप रावण को क्यों नहीं दिखा रहे हो, आपका रावण इतना खराब है क्या? इन्होंने यार रावण को ना ही पहले वाले ट्रेलर में दिखाया, ना ही दोनों सॉन्ग्स में दिखाया, और इस नए वाले और आखिरी ट्रेलर में भी नहीं दिखाया। आपने तो रावण को नहीं दिखाया तो जनता भी पागल नहीं है। इससे सीधा समझ में आ रहा है कि भैया आपने रावण में चेंजेस नहीं किए हैं, आपका रावण आज भी वो टीजर वाला रावण है। मेकर चाहते हैं कि ऑडियंस सिर्फ थिएटर्स तक पहुंचे, उसके बाद में मूवी कैसी भी लगे इनको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ने सच में मेहनत की होती तो ये रावण को दिखा देते। रावण के अलावा दूसरी शिकायत है राम जी के लुक से, जो कि प्रभास के ऊपर सूट नहीं कर रहा है, वो यार बिल्कुल भी जच नहीं रहे, उनको देख के फीलिंग आई नहीं रही है कि ये राम जी हैं। तीसरी बात जो मेरे को खराब लगी वो ये अजीब से कैरेक्टर्स, और जब ये लड़ रहे हैं तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जो फील आना चाहिए दोस्तों वो फील नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं अच्छी बातों की। दोस्तों म्यूजिक बहुत ही गजब का है। मूवी की इज्जत दोस्तों मान लो आप 90% सिर्फ म्यूजिक नहीं संभाली है। सीता माँ के लुक में कृति अच्छी लगी, हनुमान जी भी मेरे को इस बार अच्छे लगे, लेकिन यार वो रावण सीता माँ को कैसे लेके जा रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। रावण तो सीता माँ को अपने वाहन में लेके गया था, यहाँ तो दोस्तों पता नहीं कैसे लेके जा रहा है। वैसे तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन मैं दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट ले आया, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो ये कि श्रीराम जी के सारे सीन्स में जो लुक है उन सभी लुक्स पर रावण का ये नकली लुक भारी पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्रीराम जी के लुक में प्रभास इतना नहीं जच रहे जितना इस सीन में सैफ अली खान जच रहे हैं। पर वही बात की पता नहीं यार ये असली रावण को क्यों नहीं दिखा रहे। कहने को तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन दोस्तों मूवी के लिए ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप सोचो दोस्तों रामायण में राम जी से ज्यादा रावण जच रहा है। और सबसे खराब बात दोस्तों जो मैंने दोनों ट्रेलर्स के रिव्यू के टाइम पे कही थी वो ये कि पता नहीं ये किसका आइडिया था दोस्तों रामायण को डार्क में दिखाना। पूरी रामायण को और रावण की लंका को दोस्तों इन्होंने अंधेरे में दिखा दिया। रावण की लंका तो सोने की थी, उसको दोस्तों कोयले की खान बना दिया। मैं ये पहले वाले रिव्यू में भी कह चुका हूँ, और जिसने भी ये आइडिया दिया है दोस्तों वही इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि रामायण अंधेरे में जच ही नहीं सकती। मेकर्स इसको कलरफुल भी दिखा सकते थे, लेकिन पता नहीं किसका आइडिया था उसने इस मूवी को पूरा ही डुबा दिया है। अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा सहमत हो, आपको कुछ नया पता चला हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसी और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू।